हाँ, और जी यीशु मसीह को इतना गाली दिए, बहन मतारी बिटिया सब गाली दिए, लेकिन उसके बाद हम आके घर में सो गए नशे में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सो दोस्तों, आपने जो वीडियो देखा, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को गाली देते थे और उनका जीवन परिवर्तन हो गया है। तो आइए हम पूरा वीडियो को देखते हैं। उनसे हम अपना गवाही बताएंगे, अपना दुख बताएंगे जी, कि परमेश्वर में आप भी आ जाइए, आपका भी कल्याण हो जाए। लेकिन यहाँ पे लोग बोलेंगे कि वहाँ तो जाने के बाद धर्म परिवर्तन होगा, तो हम तो लोग से कहते हैं कि वहाँ धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन होता है जी। अगर परिवर्तन किया जी, तब हम बड़े बड़े लोग के साथ जाके, हमारी औरत जब गई प्रार्थना में, वहाँ से आई और उस दिन जन्मदिन था यीशु मसीह का, और उस दिन जब आई लेट हो गया, तो वही समय जो अब लेके बेलना धोए धोए अपने बच्चे के मेरारू के सबको मारने लगे, और रात भर ठंडी के दिन में हम बाहर खड़ा किए थे। हम हमारे बच्चे लोग ऐसे हाथ उंगली पकड़ के ऐसे हाथ ऐसे करते थे कि वहाँ चल बा प्रार्थना में ठीक हो जीबा, तो मरता क्या नहीं करता, हम कहे चलो भाई चल के। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये वीडियो किस प्रकार बुजुर्ग व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो गया। वो इस मसीह को गाली देते थे और अपने परिवार को भी मारपीट करते थे नशा करके, और उनका जीवन परिवर्तन हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाना भी गा के बताते हैं जी, यीशु नहीं करता है, यीशु नहीं करता है धर्म परिवर्तन, यीशु मसीह करता है जीवन परिवर्तन जी। तो यीशु मसीह आज हमारा जीवन